जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने धनुष उठाया और धनुष के दो टुकड़े हो गए भाइयों और बहनों। ये कथा मेरी यहाँ तक की कथा मैंने आप सभी को कही थी, अब आगे की कथा मैं की शुरुआत कर रही हूँ। तो श्री रामचंद्र जी का नाम लेके आगे की कथा मैं कहने जा रही हूँ, तो आप सभी देखिए मेरे वीडियो को। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। तो आप सभी को मैंने कथा कही थी कि श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी की आज्ञा से और जाके धनुष उठाते हैं और प्रत्यंचा उस पे चढ़ाने जाते हैं, वैसे ही पुरानी धनुष थी टूट गई। अब आगे की कथा मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो जय हिंद जय सियाराम। खंड हुए दो धनुष के, खींचा जब रघुवीर, नर नारी सब हर्ष से भर लाए दृगनीर। शिव धनुष टूटते ही वहां पर आश्चर्य सभी नृप करने लगे, तारीफ सभी यूं करने लगे, कुछ मन ही मन में जलने लगे। जय सियाराम। जैसे ही धनुष टूटा, शिव धनुष टूटता है वैसे ही सब हर्ष और उल्लास में भर गए, बड़ा अच्छा लगने लगा सभी को, और कुछ लोग आश्चर्यचकित हो गए और कुछ लोग मन ही मन में जलने लगे। भाई जलेंगे ना, इतने राजा प्रतापी बलशाली योद्धावर बड़े बड़े युद्धों को जीत के और उस सभा में आके बैठे हुए थे, और उनसे धनुष उठने की तो बात छोड़िए, हिली तक नहीं, तो उनके मन में जलन होने लगी। और बाकी के जो थे वो बड़े खुश हुए कि चलो भैया जनक जी की प्रतिज्ञा पूरी हुई। अब आगे, निभ जनक ने देखा है धन को, आनंद हृदय में छाया है, प्रण पूरा हुआ लखा, अपना दिल ही दिल हर मनाया है। जनक जी ने तो जैसे कि उन इतने हर्ष, इतने पुलकित हो गए, इतने खुश हो गए कि पूछिए मत, उनका प्रण पूरा हुआ जनक जी का, बहुत प्रसन्न हो गए। जैसे डूबते हुए को तिनके का मिल जाता है कहीं सहारा है, बस वही हाल था जानकी का, आनंद सभी को भरा है। सब प्रसन्न हो गए, माता जानकी सीता जी गौरी व्रत करने गई थी कि उनको पति के रूप में श्री रामचंद्र जी मिले, तो उनको तो जैसे डूबते हुए का सहारा मिल गया था, नहीं तो आशा तो नहीं थी उनके मन में, क्या करें, पिता की प्रतिज्ञा थी, पिताजी ने प्रतिज्ञा ली थी तो उनका विरोध थोड़ी ना वो कर सकती हैं। तो आगे सुनिए, सीता जी लख रही मन ही मन हर्षाए, गौरी व्रत पूजन पूजन हुआ सब कुछ पाए आज। भाइयों और बहनों, सीता जी कह रहे हैं गौरी माता जी को प्रणाम कर रही है, माता आज मेरा व्रत पूरा हुआ, मैंने आपकी जो पूजा की थी वो सफल हुई, आज आपने आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया और मन चाहा वर मुझे मिल गया। गौरी जी मन ही मन में प्रार्थना कर रही हैं गौरी माता को सीता जी। श्री राम की शोभा देख नृप जनक रहे हर्षाय, पिता जल मा जय माल लिए करने नैनानिहार शरमाय। अब जयमाल का सिस्टम आ गया भैया, सिस्टम आ गया नहीं, अब जयमाल लेके नैना जी आ रही हैं जानकी की माता खुश होके कि अब जयमाल सीता जी रामचंद्र जी के गले में डालेंगी। प्रतिज्ञा यही थी कि जो धनुष को के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वो डोरी आती है ना चढ़ाएगा, उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा, तो पूरी हो गई। अब भैया प्रत्यंचा चढ़ाते चढ़ाते टूट गई, तो अब इसमें किसी का क्या दोष। आगे, तब सतानंद भी उठ करके सीता के पास में आए हैं, जयमाल राम को पहना हो सीता को वचन सुनाए हैं। सतानंद जी उनके जनक जी के यहाँ के पुरोहित थे, पंडित थी, तो वो सीता जी के पास आते हैं, उन्हें आदेश देते हैं कि हे देवी आप जाइए और अपने श्री रामचंद्र जी को जयमाल पहना दीजिए। सतानंद मुनि वचन चली सखी कछु संग, गाती मंगल गान शुभ लाए हृदय उमंग। सीता जी ने जयमाल उठाया
और उनकी चारों तरफ सखिया थी साथ में, और मंगल गीत गाते हुए सीता जी धीरे धीरे शर्माते हुए और आगे बढ़ती हैं। नगसिख से शोभित थी सीता तन पर शोभित नीली साड़ी, बिंदी माथे पर लाल लगी मुख प्रभा अमित शोभित भारी। ओ हो, यहाँ पे सीता जी का वर्णन किया है भाई और बहनों की कितनी सुंदर दिख रही थी, नीले कलर की उन्होंने साड़ी पहनी थी और बिंदी माथे पे लाल लगी थी सुख प्रभा अमित शोभित बात, इतनी सुंदर दिख रही थी सीता जी मानो चकोरी चंद्रमा से मिलने के लिए जाती है या नदी कोई अति वेगहीत सागर से मिलने जाती है। जैसे चंद्रमा चकोरी चंद्रमा से मिलने जा रही है और नदी वेगहीत सागर से मिलने जा रही है, इस तरह से सीता जी जा रही हैं श्री रामचंद्र जी के पास। जैसे काले वन में बिजली छुपने की राह बनाती है ऐसे ही सीता रघुवर को जयमाल लिए कर जाती है। जैसे काले वन में बिजली चमकती है उसी तरह सीता जी रघुवर जी के पास जा रही हैं, अरे जगमगा रही हैं एकदम। एक दूसरे को रहे दोनों रूप निहार, भूल गए सतबुद्ध सभी छाया हर्ष अपार। एक सामने सामने आते हैं माता सीता और रामचंद्र जी, एक दूसरे को देखने लगते हैं, दोनों अति सुंदर। राम जी सीता जी को देख रहे हैं, सीता जी राम जी को देख रहे हैं और सारी सुधबुद्ध भूल गए। मिल गए द्रिगोप से द्रिग ऐसे ज्योति ज्योति समय गई, गए भूल दो सुदितन मन की मोहिनी हृदय पर छाए गई। नैनों से नैन मिल गए दोनों के श्री रामचंद्र और सीता जी के, सारी सुध बुध वो खो बैठे थोड़ी देर के लिए कि वो कहाँ पे हैं। और एकदम श्री रामचंद्र जी सीता जी को निहार रहे हैं, सीता जी राम मोहिनी दोनों जी के दोनों के ऊपर छा गई हैं कि एक दूसरे को एक टक देखे ही जा रहे हैं। तब सीता की सखियों ने कहा कि सीता सुध विसराई है, जय माल राम को पहनाओ शुभ खड़े घड़ो कठिन से आई है, जय माता सीता। फिर वो सखी रहती है आजू बाजू में, वो सीता जी को कह रही है अरे क्यों सुध बुध खोक बैठी हो, जयमाल पहनाइए श्री रामचंद्र जी को। तब सीता जी थोड़ा शर्माती हैं। जयमाल लेकर सीता ने जब राम के गज पहनाई है, छवि निरख रहे नर नारी आनंद घड़ी अति छाई है। जैसे ही सीता जी ने जयमाल रामचंद्र जी को पहनाती हैं, इतने चारों तरफ से फूलों की वर्षा, देवी देवता भी फूलों की वर्षा कर रहे हैं। धीरे धीरे हाथ दो ऊपर लिए उठाए, जयमाल प्रभु के गले दीन है पहराए। सखिया मृदु स्वर में रही करती मंगल गान, सहनाई बजने लगी छाई खुशी महान। फिर चारों तरफ सहनाई बजने लगी और चारों तरफ सखी मंगल गीत गाती हैं, जो आज भी परंपरा चली आ रही है हम लोगों के यहाँ यूपी में। शादी के टाइम पे भाई मंगल गीत गाए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई आज भी सीताराम की जैसे शादी हुई थी, जो परंपरा की गई थी, जो विधियां की थी, उसी विधि के अनुसरण हम सबका विवाह हुआ है और आगे भी ये परंपरा चलती ही रहेगी, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं तो वही परंपरा चली आ रही है। जतमाला राम के नगर गले पड़ी, खुश हुए सभी नर नारी थे, जयकार ध्वनि से मंडल में गूंजे स्वर अति भारी थे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जयकार से गूंज उठा पूरी सभा। जो दुष्ट भूप वहां आए थे वह जलने लगे अपने मन में, मारे थे कायली के भारी काटो तो खून नहीं तन में। जो दुष्ट आए हुए थे जिनसे धनुष नहीं टूटा और चक्कर में थे कि सीता जी से विवाह कर लूं और धनुष तो टूटा नहीं भाई और बहनों, वो मन ही मन एकदम जल भुंज रहे थे। सीता और श्री राम की जोड़ी देख अनूप, आशीष सब देने लगे साधु हृदय के भूप। सीता राम जी की जोड़ी देख के जितने भी लोग थे सब उन्हें आशीर्वाद देने लगे।
मिथिलावासी जोरनाथ नारी लख फूले नहीं समाते थे, सीता और राम की जोड़ी पर सभी बलिहारी जाते थे, आशीष सभी देते उनको बलिहारी थे उस जोड़ी पर, नर नारी मुग्ध हुए ऐसे तन मन उस जोड़ी पर। जितने भी थे नगर के लोग सीता जी के और रामचंद्र की जोड़ी को, इतनी सुंदर जोड़ी थी भाइयों की, भाइयों और बहनों की, मैं ये 10 मिनट के वीडियो में उनकी जोड़ी, उनके पहनावा, उनके रूप का वर्णन नहीं कर सकती हूँ। अगर उनका मैं वर्णन करने जाऊं तो 1 घंटा मुझे सिर्फ सीता और राम के रूप का वर्णन करना पड़ेगा, वो भी मैं करूंगी, पर अभी मैं बंदी जन भाट सुध मगध गुण कीरत गाय सुन रहे, सुर बैठ विमानों पर के अंदर नव से थे सुमन बरसाए रहे। देवी देवता भी जितने थे भाई और बहनों सब सीता और राम जी की जोड़ी को आशीर्वाद दे रहे थे, पुष्पों की वर्षा कर रहे थे और चारों मंडल में जय सिया राम जय सिया राम गूंज रहा था। तो भाइयों और बहनों आज की कथा मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, क्योंकि आप सभी को तो पता है 10 मिनट से ज्यादा वीडियो मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो बना दूं भाइयों और बहनों पर आप सभी देखोगे नहीं। तो आज का की कथा मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, और YouTube पे देख रहे हैं तो प्रीतिराज ऑफिशियल चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो कृपा करके फॉलो कर लीजिए, और इसी के साथ सीता जी का स्वयंवर के साथ आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। कल की कथा शुरू होगी, परशुराम की एंट्री होगी, परशुराम जी जिन्होंने उस धनुष को स्थापित किया था, परशुराम जी आएंगे फिर उनकी कथा मैं सुनाऊंगी। तो भाइयों और बहनों सीता जी का स्वयंवर आज यहाँ पे समाप्त होती है, और आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ जय सियाराम जय हिंद।